कहते हैं कि जो संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो गैस पर सब्सिडी छोड़े। नेक इरादा है, अच्छी नीयत है, लेकिन हमारे सक्षम संपन्न नेता सांसद जिनको तमाम तरह की सब्सिडीज मिलती है, जिसकी एक लिस्ट अभी आपने देखी, क्या उन्हें शुरुआत नहीं करनी चाहिए? इस पर बहस करने के लिए जंगलमन में हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह स्टूडियो में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में है, हमारे साथ शीबा असलम फहमी सामाजिक कार्यकर्ता सोशियोलॉजिस्ट स्टूडियो में है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ मेहमान और भी जुड़े हैं। हमारे साथ अरुण सिंह राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के जुड़ गए हैं, हमारे साथ सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल सत्तारूढ़ पार्टी के अरुण सिंह से करना चाहूंगी। अरुण सिंह जी, बहुत अच्छी शुरुआत है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो संपन्न हैं, वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़े, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो तमाम सांसद सब्सिडी लेते हैं, आप देखिए ना कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं। संसद की कैंटीन में मुझे किसी ने कल बताया कि रिवाइज्ड रेट जो भरपेट भोजन करने का है वो 29 रुपए है, जो देश के किसी भी कोने में नहीं मिलता। चाय 1 रुपए में मिलती है। उसके अलावा आप सांसदों को देखें तो 1.5 लाख तक की मुफ्त कॉल्स, 50,000 यूनिट बिजली सालाना मुफ्त, 4,000 किलोलीटर पानी सालाना मुफ्त, कितने सारे फायदे, कितनी सारी सब्सिडीज जो अगर हटा दी जाए तो यकीनन पैसा बचेगा और कहीं और इस्तेमाल होगा। तो आपको नहीं लगता कि शुरुआत आप ही लोग करें, नेता ही करें, सांसदगण और विधायकगण ही करें? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, 2 लाख लोगों ने अभी सब्सिडी छोड़ दी, और मैं कहूं सांसद विधायक और जो भी सक्षम लोग हैं, सक्षम में पत्रकार भी आते हैं, सक्षम में आईएएस अधिकारी या जितने भी अधिकारी हैं वो भी सक्षम में आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जो भी व्यक्ति सक्षम हो सबको सब्सिडी छोड़ देना चाहिए। और इसमें मैं कहूंगा पत्रकार बंधुओं को भी सबसे पहले जाकर के, ठीक है मैं समझ रही हूँ आपका, 2 लाख लोगों ने सब्सिडी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद, एक पहलू अरुण सिंह जी, गैस सब्सिडी एक पहलू है, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बाकी जो तमाम सहूलियतें सांसदों को मिलती है, वो नहीं आपको लगता उसका त्याग करने का वक्त आ गया? सहूलियत और सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, वो सुविधा है, वो सुविधा है। तो खर्चा तो कहीं जा रहा है ना, कॉल्स के लिए खर्च तो कहीं पर हो रहा है ना, खर्चे का बोझा तो कहीं पड़ रहा है ना। अगर हर सांसद को 34 एयर टिकट सालाना मुफ्त मिलते हैं, रेल खर्चा फ्री है उनके लिए, 50,000 यूनिट बिजली सालाना मुफ्त है, तो क्या खर्च नहीं हो रहा? कहीं तो बोझ पड़ रहा है ना। जो जनप्रतिनिधि होता है एमपी एमएलए, उसको अधिक से अधिक प्रवास करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, उसको ट्रैवल करना चाहिए, उससे कोई गुरेज नहीं। प्रवास करता लेकिन भी है, जनप्रतिनिधि अगर करोड़पति है तो वो क्यों इतनी सहूलियतें ले? जनप्रतिनिधि अगर करोड़पति है तो वो क्यों इतना बोझ सरकार पर डाले? देखिए करोड़पति जो आप बता रहे हैं, अब मैं करोड़पति में भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो करोड़पति आप बताते हैं, एक किसी का मान लीजिए मकान अगर 10 साल या 20 साल पहले लिया है 2 लाख का, वो 1 करोड़ का हो गया, उसको आप करोड़पति देखते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग में मार्केट वैल्यू जाती है, उसके बाद पैसा नहीं है। और जब नेता शब्द आप उपयोग करते हैं तो बहुत सारे मंडल स्तर पे हमारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, जिसे नेता की जगह हम विधायक की बात छोड़ दीजिए, ये वो बात समझना नहीं चाह रहे एनके सिंह साहब। हम भी मानते हैं जो सक्षम नहीं है कि जो सक्षम सबको तमाम सहूलियतें हैं, मतलब हम हैरान रह गए। कल अवनी रॉय जी हमारे स्टूडियो में आए थे इसी प्रोग्राम में, और वो खुद ये कबूल कर रहे थे कि बहुत ही सस्ते दामों पर 1 रुपए की चाय, कहीं कोई सोच सकता है देश में कहीं आज की तारीख में 1 रुपए की चाय? तमाम तरह की ऐसी चीजें, आपने जो खाना दिया है पार्लियामेंट कैंटीन में, जो रेलवे चलाती है, वो खाना 4 कोर्स मील का ही आप रेट बता रही हैं। ये सिर्फ थाली नहीं आती है, 4 कोर्स मील है जिसमें आता है, जिसका ये रेट 29 रुपया है। इसलिए इसको समझना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सस्ता अगर वहां पे खाना मिलता है, एमपीज खाते हैं, इशू ये नहीं है कि एमपीज ने ये सब्सिडी छोड़ी कि नहीं। मोदी जी ने एक अपील की है, मेरे ख्याल से सबको छोड़ना चाहिए, नेताओं को भी छोड़ना चाहिए। कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम इससे नहीं आएगा, इशू ये नहीं है कि आप कितना आएगा, टोटल अगर आप सारी सब्सिडीज की जोड़ देंगे या ट्रेवल जोड़ देंगे जो सुविधा के रूप में आता है, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इशू ये नहीं है, एक मैसेज पब्लिक में जाएगा कि ये नेता पब्लिक कॉज को देखते हुए कुछ समर्पित कर रहा है। उदाहरण के लिए लीजिए, अगर कोई नेता ये कहता है कि साहब मैं जो पार्लियामेंट से हमें कूपन मिलता है
अपना उनका आई कार्ड होता है उसको दिखा के वो एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, कंपेनियन जो होता है वो एसी टू में करता उसको है, भी टिकट मिलता है। अगर ये कह दे कि नहीं हम जनता के आदमी हैं, हम आज से एसी थ्री में सफर करेंगे, हम स्लीपर नहीं कह रहे एसी थ्री में, क्योंकि हम जनता के बीच के आदमी हैं, तो मेरे ख्याल से ये मैसेज ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा अच्छा जाएगा कि कम से कम जैसे करुण जी ने कहा कि साहब वो जनता का आदमी होता है, जनता के बीच में जाता, बड़ी अच्छी बात है जनता के बीच में जाता है। हाँ। तो ये एसयूवी लेके ना जाए, एक छोटी सी कार ले ले, एसी भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जनता के बीच में एसी फर्स्ट क्लास से जाता है तो वो जनता का नहीं होता है, प्रॉब्लम यहां है। और तब ये देखिए जो अभी पब्लिक रिएक्ट कर रही है, ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि पॉलिटिकल क्लास या उसमें भी पत्रकार भी हैं सभी, हम जो संभ्रांत वर्गीय चरित्र के लोग हैं, अगर ये मैसेज दे दें कि नहीं हम यही सब्सिडी नहीं छोड़ रहे हैं, नो हेंस फोर्थ नो गवर्नमेंट सब्सिडी, और ये सब्सिडी किसी भी फॉर्म में आए, सुविधा के फॉर्म में आए, ये जितने भी करोड़पति नेता है, एक बात हो सकती है कि टेलीफोन उनको ज्यादा करना पड़ता है, ये मान सकते हैं, लेकिन उनकी जो हैसियत है, हम ये भी डर लगता है कि अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो कोई सेठ से लेके करेंगे, वो ज्यादा बड़ा खतरा है। अगर सेठ जी उनके घर खाना भेजने लगे, और मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र वगैरह में महाराष्ट्र के जो एमपी आते हैं उनके घर का खर्चा एक कॉरपोरेट हाउस उठाता है, जैसे ही वो आते हैं तो एक फोन आता है कॉरपोरेट हाउस से कि साहब महाराष्ट्र के एमपी का खर्च जो जितना भी खाने पीने का है वो हम लोग करते हैं, हमारा एक आदमी ये नंबर है और वो करता है, तो उससे कम से कम बचेंगे, ये सब्सिडी अगर जा रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैसेज है वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं पुनिया जी अभी खत्म कर देता हूँ, बस उसके बाद पुनिया जी के पास आऊंगी। पुनिया जी, पीएल पुनिया जी, राशिद अलवी कहते हैं कि नेताओं को ये सुविधाएं छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है पुनिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा पुनिया जी, मेरी बात आपने सुन ली, इनकी नहीं सुन रहा है, ये कैसा व्यवस्था है? पुनिया जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, वो शायद अच्छा उनसे संपर्क कट गया। खुशी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं ये जो एनके सिंह साहब ने कहा, मैं उसमें ये बात जोड़ते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जो आज जो अपील की गई है ये अपील सिर्फ सिम्बॉलिक है। टोटल हमारे सांसद कितने हैं? आज हमारी पार्लियामेंट की कैंटीन अगर गैर वाजिब सब्सिडी का सिम्बल बन गई है तो वो एक सिम्बल ही है। आप ये देखिए कि जो सब्सिडीज जहां जहां आम जनता की जो सब्सिडीज हैं वो कहां पर रैशनलाइज करने की जरूरत है। सारी सब्सिडीज आप कुल मिलाकर के देख लीजिए, उसमें अगर गैर वाजिब सब्सिडी आप देखते हैं तो वो कितना बड़ा वर्ग है। भारत आज भी एक गरीब देश ही है, तो ये जो जिसको जहां आप सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं एक कानून बनाते हैं और खत्म कर देते हैं, वहां आपको कोई किसी भी तरह की कबाहत होती नहीं है। तो ये जो सिम्बोलिज्म है मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बरक्स जो कॉरपोरेट को रियायतें दी जाती हैं आप उन पर बात जरूरी हो गई है कि उन पर बात करें। एक आम आदमी को गैर वाजिब सब्सिडी ना मिले इस पर जरूर कानून बन जाए, लेकिन कॉरपोरेट्स के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, जो स्पेशल लोन लेवर है, ऐसी बात आप हर बजट जब आता है तो लास्ट में कॉलम होता है, अरुण जी जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लास्ट में कॉलम होता है रेवेन्यू फॉरगॉन। आपकी उस लफ्ज को बदल दिया गया है, कुछ और लफ्ज लाया गया है। रेवेन्यू फॉरगॉन 5.5 लाख करोड़ का होता है जो कि इंडस्ट्रीज को वन और दी अदर फॉर्म में मिलता है, इनडायरेक्ट जो असली आप वॉल्यूम तो कहाँ जा रहा है? वॉल्यूम सब्सिडी आप टोटल सब्सिडी देख लीजिए, एग्रीकल्चर तक की सब्सिडी कहाँ जाती है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी कहाँ जाती है जो फैक्ट्री का मालिक उसको जाती है, हैवी मशीनरी की सब्सिडी कहाँ जाती है जो फैक्ट्री का मालिक उसको जाती है। तो ये जो सारी सब्सिडीज के जो मामले हैं, सारी गैर वाजिब सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए, ये नैतिक भी है और आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है। बिल्कुल, फिर आज के मुद्दे पे लौटे पुरुषोत्तम जी, वाकई बस सही बात कही उन्होंने कि जो जनप्रतिनिधि है उसको एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की जरूरत क्या है, सेकंड एसी के लिए मुफ्त में टिकट एक अपने और सहयोगी के लिए इसकी क्या जरूरत है, ये तमाम तो गैर जरूरी मुझे लगता है सुविधाएं। देखिए मुझे लगता है कि हम लोग तीन चीजों में फर्क करें, एक है सब्सिडी, एक है सुविधा और एक है अनडिजर्व्ड प्रिविलेज। और जो सब्सिडीज नेताओं को या जनप्रतिनिधियों को दी जाती हैं उनका मूल तर्क सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो यही है कि उन्हें अपने काम करने की सुविधाएं हासिल हों और अनावश्यक और गलत स्रोतों से साधन लेने की उनको जरूरत ना पड़े, मूल तर्क ये है। और ये वास्तविकता है कि ये एसी थर्ड क्लास में ट्रेवल करना और ये सब व्यावहारिक बातें नहीं है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, सांसद है या मंत्री है, उसे एक निश्चित स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। दिक्कत यह होती है कि धीरे 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 हमने सुविधाओं को सब्सिडी में और सब्सिडी को प्रिविलेज में बदल दिया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हमारे देखते देखते अब आज की पीढ़ी को याद भी नहीं होगा, 30 या 35 साल पहले तक
विधायकों और सांसदों के लिए कोई पेंशन नहीं हो। हमने सुविधाओं को सब्सिडी में और सब्सिडी को प्रिविलेज में बदल दिया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे देखते देखते अब आज की पीढ़ी को याद भी नहीं होगा, 30 या 35 साल पहले तक विधायकों और सांसदों के लिए कोई पेंशन नहीं होती थी। ये माना जाता था कि जब वो काम कर रहे हैं तब उनको कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके बाद जनता के आदमी है, जनता में वो अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। आज स्थिति यह है कि अगर आप एक दिन के लिए विधायक या सांसद हो जाएं तो आप लाइफ लॉन्ग पेंशन के अधिकारी हो जाते हैं। ये गड़बड़ स्थिति है। दूसरी बात यह है कि ये जो सारी चर्चा होती है इसमें मुझे काफी रोचक लगता है कि हम लोगों का सारा फोकस नेताओं पर होता है। देखिए, हमारे सिस्टम में नेता आई जाई चीज होती है। आज कोई मंत्री है कल नहीं रहेगा, आज कोई विधायक है कल नहीं रहेगा। भारत का जो स्थायी शासन तंत्र है वो आईएएस अफसरों का है। आईएएस अफसरों के प्रिविलेजेस के बारे में बात नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि आपको और पत्रकारों को, किस पत्रकार को कितनी जानकारी है, पिछले साल एक खबर छोटी सी छपी थी सिंह साहब, चुनाव होने के कुछ ही दिन पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले तत्कालीन सरकार ने एक फैसला किया और वो खबर अखबारों में तीसरे पन्ने पर पांचवें कॉलम में छपी थी। और वो खबर ये थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसर अपना और अपने परिवार का इलाज विदेश में करा सकते हैं। मैं समझने में असमर्थ हूं कि जब आपके यहां अपोलो है, मेदांता है, एस्कॉर्ट है, जब आपके देश में हेल्थ टूरिज्म होने लगा है, पूर्वी यूरोप और मिडिल ईस्ट के करोड़पति लोग आके आपके यहां इलाज कराते हैं, ऐसी स्थिति में मैं ये समझ नहीं पाता कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरों को क्या जरूरत पड़ती है कि वो सरकारी खर्चे पर जाकर के ह्यूस्टन में या लंदन में इलाज कराएं। दूसरी जो समस्या इससे जुड़ी हुई है वो ये कि जब तक मेरे और आपके जैसे लोग, हम सब संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, लेट अस फेस दिस, हम में से कोई भी सही मायनों में गरीब या आम आदमी नहीं है, जब तक मेरे और आपके जैसे लोग ह्यूस्टन में इलाज कराते रहेंगे या अपोलो में इलाज कराते रहेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का और सफदरजंग का एग्जैक्टली वही हाल रहेगा जो है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। एक बच्ची फिर लौटूंगी आपके पास। सुनिए, एक मेरी बात सुन ले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बात केवल सब्सिडी की नहीं है, बात सरकार के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड की है। आज आलम यह है कि पड़ोस में एक बच्ची को कुछ ऐसा लगा कि शायद वो स्वाइन फ्लू जैसा कुछ है, तो मैंने उससे कहा कि बेटा अस्पताल चली जाओ, तो उसने छूटते ही कहा कि अगर बहुत ज्यादा लक्षण दिखेंगे तो मैं जाऊंगी, वरना अस्पताल में जाने पर मुमकिन है कि स्वाइन फ्लू के साथ और दो चार बीमारियां साथ ले, क्योंकि वो अपोलो नहीं जा सकती। बिल्कुल, जाना था सरकारी अस्पताल। अलग इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा जिस पर फिर भी बहस होगी हमारी, लेकिन पीएल पुनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। पुनिया जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि राशिद आपकी पार्टी के राशिद अलवी ये कहते हैं कि नेताओं को, सांसदों को सब्सिडी छोड़ने, त्यागने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या आपका और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं का भी यही मानना है? देखिए, इसको पूरे मुद्दे को एक सही परिप्रेक्ष्य में लेने की जरूरत है। जो सांसद और विधायक, वो उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है, यहां पर दिल्ली में रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है, तो उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ बिजली भी पानी भी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके ऊपर सीमा लगा दी गई है कि ऐसा नहीं कि पूरा खर्चा हम वहन करेंगे, बल्कि एक लिमिटेड बिजली और लिमिटेड पानी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, बाकी अगर कोई खर्चा होगा अतिरिक्त तो उसमें आप करेंगे। वो अपने क्षेत्र में जाते हैं उसके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई, और जहां तक आपने कहा है 4000 किलोमीटर पानी सालाना मुफ्त, क्या आपको लिमिटेड लगता है? 50,000 यूनिट बिजली सालाना मुफ्त आपको लिमिटेड लग रहा है? 1.5 लाख कॉल्स फ्री आपको लिमिटेड खर्च लगता है? मेरी बात तो नहीं सुनेंगे आप, एक बनना तो फिर बुलाते क्यों हैं? मेरी बात सुन लीजिए, ये हकीकत है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जब ये आप कहते हैं कि गैस सब्सिडी पे नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ कहाँ गैस सब्सिडी, सिलेंडर आता ही नहीं है, यहाँ तो पाइपलाइन से लगा है। हम लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में पाइपलाइन से गैस आती है, और जहाँ गैस पाइपलाइन है तो वहाँ पर कोई सब्सिडी नहीं होती है, जहाँ सिलेंडर मंगाए नहीं जाते, सिर्फ सिलेंडर पर सब्सिडी होती है, बाकी नहीं होती। तो सरकार ये क्यों नहीं कर देती कि सब जगह गैस पाइपलाइन कर दे? और फिर दूसरा सुन लीजिए, आप उद्योगपतियों भी ये बजट देखिए, 5,90,000 करोड़ रुपए
का उद्योगों को कॉरपोरेट हाउसेज को वो इंसेंटिव देते हैं, टैक्स इंसेंटिव देते हैं। और दूसरा आज मैं तो ये समझता था, ठीक है सोमनाथ भारती के पास हमें चलना होगा। सोमनाथ भारती बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सोमनाथ जी, आपकी पार्टी तो आम आदमी की पार्टी है, आपने तो तमाम खर्च दरकिनार करने की बात कही है। क्या आप जब सरकार बन गई है तो आप दिल्ली में ये सब लागू करेंगे? आप जितनी भी एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं वो तमाम छीनेंगे, छीन ली जाएंगी, वापस ले ली जाएंगी? उनको आदेश कर देने चाहिए कि इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। शीतल जी, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया। ये मैं सुन रहा था अपने भाजपा के मित्र को और कांग्रेस के मित्र को। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ा सटीक बातें उन्होंने कही। मैं उस पर थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। ये जो कुछ भी एक एमपी को, एमएलए को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को मिलता है, ये इसका परफॉर्मेंस और यूटिलिटी ऑडिट होना चाहिए कि भाई 1.5 लाख कॉल में कितने कॉल इन्होंने जनता के लिए किए, कितने फ्लाइट्स इन्होंने कहां के लिए लिए, इन्होंने कितनी ट्रेन जर्नीज कहां के लिए किए, सबका अगर प्रॉपर ऑडिट हो और फिर निकल के आए कि भाई जनता इनके सुविधाओं को बढ़ाए या घटाए, ये तभी जाके बात कुछ होगी। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा है, उनकी सैलरी 400,000 डॉलर्स है, मतलब 2 करोड़ रुपया साल का। मुझे मालूम पड़ा सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर, उनका सैलरी बहुत ज्यादा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से 45 टाइम्स ज्यादा है। बात इन सैलरीज और इनके नहीं है, जो अलाउंसेस के बात है कि जो इनको काम दिया गया है बिल्कुल सही, उसको करने के लिए ये कितने सक्षम हो रहे हैं। क्या आपकी पार्टी दिल्ली में परफॉर्मेंस और यूटिलिटी ऑडिट करेगी? पहले आपकी पार्टी दिल्ली में, आपकी पार्टी दिल्ली में परफॉर्मेंस और यूटिलिटी ऑडिट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत समय पहले जब लैपटॉप आया था उस वक्त 1 लैपटॉप पर एमपी पार्लियामेंट ने ग्रांट किया था, और मुझे उस वक्त याद है, मैं नाम नहीं लूंगा एमपी साहब का, उस वक्त उन्होंने सिंपल 10,000 रुपये वो लैपटॉप बेच दिया। तो आज तक ऑडिट नहीं हुआ कि भाई वो लैपटॉप किस काम लाया गया, किसने काम किया, क्या किया उसका, अंधाधुंध चल रहा है। अब 12.5 रुपये का अगर वो वहां पे खाना मिल रहा है, उसकी ऑडिट हो, कारण क्या है, क्यों है, और जो करप्शन जो सबसे बड़ा चीज है जी, आप मानेंगे नहीं, ये तो हम, मैं जिस वक्त से एमएलए बना हूं तब से मुझे मालूम पड़ रहा है कि कितना मुश्किल है जीना एज एन एमएलए। अच्छा, मुश्किल है जीना यहाँ पे, जो जैसे आप देखें दिल्ली के एमएलए को ना घर मिलता है, ना ऑफिस मिलता है, ना ड्राइवर, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, ना ड्राइवर, ना पेट्रोल, ना गाड़ी, ना ऑफिस स्टाफ, वो काम कैसे करे? आप ये पहली, ये सवाल सारे पहली बार हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले एमएलए का पद, एमपी का पद लोग पैसे बनाने के लिए करते थे, अब नहीं करते। और चलिए मैं इस पर जवाब लूंगी, मैं इस पर जवाब अरुण सिंह जी से लूंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं। और इन्होंने बात की परफॉर्मेंस और यूटिलिटी ऑडिट की, इस पर भी हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। हमारे दर्शक भी कई सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये दिलचस्प बहस जारी है, आप देखते रहिए जनगणमन में। आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आम संपन्न आदमी तो गैस पर सब्सिडी छोड़े, लेकिन हमारे नेतागण, हमारे सांसद, जिनको इतनी सारी सब्सिडीज हासिल हैं, इतनी सारी सुविधाएं हासिल हैं, वो क्यों ना त्याग की शुरुआत करें। बहुत अच्छी बात सोमनाथ भारती ने कही थी कि परफॉर्मेंस और यूटिलिटी ऑडिट होना चाहिए, कि ठीक है आप बेशक सुविधाएं दो, सारी सस्ते में सब कुछ दो सांसदों को, लेकिन जो वो खर्च करते हैं उसका एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, उनको जो सुविधाएं हैं वो ऑडिट होना चाहिए, कहां इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं सोमनाथ जी की बात से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम लोग इन चीजों पर भावुकता में बात ना करें। जो आदमी जिम्मेवारी के पद पर है, चाहे वो अफसर है, चाहे नेता है, चाहे सांसद है, उसे कुछ सुविधाएं निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, ताकि वो बहुत सारी छोटी मोटी चीजों से मुक्त रहते हुए अपने काम पर ध्यान दे सके, ये बेहद जरूरी है। मैं इस बात को साफ कह रहा हूं। असल में जब परफॉर्मेंस और यूटिलिटी का ऑडिट नहीं होता है, तभी ये सुविधाएं अनडिजर्व्ड छोटी मोटी चीजों से मुक्त रहते हुए अपने काम पर ध्यान दे सके, ये बेहद जरूरी है। मैं इस बात को साफ कह रहा हूं।
असल में जब परफॉर्मेंस और यूटिलिटी का ऑडिट नहीं होता है तभी ये सुविधाएं अनडिजर्व्ड प्रिविलेज में बदल जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये बहुत सही है कि सांसदों को फोन करने के लिए सुविधा मिले, सांसदों को कुछ सस्ते में ट्रेवल करने की सुविधा मिले, बहुत सही है। ये भी बहुत सही है कि उनको संसद अटेंड करने के लिए रोजाना भत्ता मिले, लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि फिर संसद में हाजिरी लगे। मान लीजिए कि जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं और बिना किसी जायज वजह के अगर आप दफ्तर ना जाएं तो आपकी सैलरी कट सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, बहुत हमारे यहाँ आलम यह है, एक मिनट, हमारे यहाँ आलम यह है कि लोकसभा में कोरम 10% है, आमतौर से किसी भी सभा सोसाइटी में 33% होता है, लोकसभा में 10% है और वो भी कई बार पूरा नहीं होता, स्पीकर महोदय को चिल्लाना पड़ता है कि भाई 500 में से 50 तो आ जाओ ताकि लेजिस्लेटिव बिजनेस हो सके। ये बहुत जरूरी बात है। परफॉर्मेंस ऑडिट करने के पहले मैं आपको एक किस्सा बता दूं। इस पार्लियामेंट ने एक इंक्वायरी किया, एक मेंबर पार्लियामेंट ने बताया कि वो एक जिले से हवाई जहाज से ट्रेवल करके वहां आया, ये बात उसने लिख के दी अपने बिल में। वहां पे कोई एयरपोर्ट नहीं है। एक दूसरे एमपी ने एक ही जगह एक ही दिन दो डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने को बताया कि उसने ट्रेवल किया है। तो जब ये मॉरल टर्पिट्यूड का हाल है तो आज जो मोदी जी ने कहा है बड़ा सिंपल सा है कि कम से कम ये प्रोसेस तो शुरू करें आप, एक ये प्रोसेस शुरू करें, आप पब्लिक को मैसेज तो दे कि भाई हमने छोड़ा। हमारे पास वक्त जनता के सवालों का है और जनता के सवाल एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी सवाल पूछ पाएंगे सोमनाथ भारती से, मुझे पता है आप सोमनाथ भारती से सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपके पास आऊंगी, मैं पहले जनता के पास चलते हैं, आप आपके पास देखिए, आपको सुविधाएं मिल रही हैं, हवाई जहाज आपके लिए चार्टेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सारा कुछ आप करते हैं दिल्ली आने के लिए। तो दिल्ली में जब पार्लियामेंट हाउस में आपको जाना है, आपके लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉन्डो टाइप, उसके अंदर सबको रखना चाहिए, जितने आपके एमपीज वगैरह मिनिस्टर हैं सब, और वहां से एक चार्टेड बस चलनी चाहिए पार्लियामेंट हाउस तक के लिए। और ये राय पसंद है आप सभी को ये राय पसंद है? स्विट्जरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बस पे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्यों ऐसी डिमांड करी? हम गरीब जनता है, हम आपको सुविधा देना चाहते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड बदल दीजिए। देखिए, जैसे हिंदुस्तान की गरीब जनता झुग्गियों में रहती है, आप उसको वन रूम सेट देते हैं, नेताओं को टू रूम सेट दे दीजिए। जो बड़े बड़े हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, गरीब जनता सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है, उनके बच्चों को राजकीय विद्यालयों में डालिए। सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में एक लाइन अलग कर दीजिए, भाई वो बहुत लंबी लाइन है, इनकी लाइन थोड़ी छोटी है। हमारे घरों में 8 घंटे लाइट नहीं आती, आपके घरों में सिर्फ 4 घंटे ना आए, हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बदलिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी इस पर जवाब दीजिए, आपका जवाब चाहूंगी इस पर, ये जनता का उठाया हुआ पॉइंट है। मैं इसको दो पार्ट में बताता हूँ। एक तो सोमनाथ चटर्जी जी जो अभी है भारतीय, या जो अभी जो बेचारे जी की बात करते, देश में किसी भी राज्य में एमएलए को ना तो गाड़ी मिलती है, ना ड्राइवर मिलता है, ना पेट्रोल मिलता है, ये दिल्ली में नहीं, देश में कहीं पे भी। नंबर दो, दिल्ली में चूंकि आपका जो असेंबली है वह अधिक से 15 से 20 किलोमीटर है, आप कहीं ना कहीं घर में रहते हैं, आपको मकान क्यों चाहिए? ये दोनों चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहता। तीसरी बात, मैं तो चाहता हूं कि सभी चार्टर्ड में चले, एमपी एमएलए को, अधिकांश एमपी जो है वह बस से ही जाते हैं पार्लियामेंट में। अगर कभी आप जाके देखें नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू, वह या तो वैगनार गाड़ी आती है, तीन उसमें एमपी जाते हैं, पहले बसों से जाते थे, अब वैगनार आती है, वो उसी से जाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली की सब जनता, हम लोग भी जो है, हम लोगों को बसों में ही चलना चाहिए, पॉल्यूशन भी कम होगा, और जो दर्शक बैठे हैं सबको बस में चलना चाहिए। चलिए, आप ये कम से कम ये बोल रहे हैं, कम लगेगा और देश का पैसा भी बचेगा। काहे बस, जितनी बड़े पड़ोस उतना बड़ा पेट, इन लोगों का तो पेट नहीं भरता, जितनी जरूरत हो उतनी सुविधा लो। ये थोड़ी बच्चे को छींक आ जाए तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा के 3-4 दिन का बिल बनवा लो। जी सोमनाथ जी, एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। हाँ देखिए, जो जो उन्होंने बात कही है उसमें दम है। इनफैक्ट जब मैं, मुझे याद है कि जब मैं आईआईटी के दिनों में मेरा आना जाना हुआ करता था, एक बीजेपी के नेता थे, बड़े सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और जब मैंने उनका बंगलो देखा, बहुत बड़ा बंगलो था, उसमें गार्डन भी है, एमपी थिएटर भी था और बहुत कुछ था। मैंने उनको बोला कि इतना बड़ा बंगलो और आप पति पत्नी रहते हैं, क्या जरूरत है इतने बड़े बंगलो की? क्यों नहीं हम मल्टी स्टोरेज अगर हमारे पास बिल्डिंग्स हो, कम से कम इतनी बड़ी जगह पे मुझे लगता है कि 25-30
एक मेंबर ऑफ मेंबरशिप पार्लियामेंट रह सकते हैं। मल्टी स्टोरी में जा रहा है क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि स्टोरी में जा रहा है, ये जरा बता। उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, देखिए पहली पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, आज जो हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि दो बड़ी चीजें जो मुद्दे हैं, एक तो करप्शन जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें आप देखें कि प्री इलेक्शन और पोस्ट टर्म जो एसेट्स इंक्रीज है उसका एक बहुत बड़ा ऑडिट होना चाहिए कि भाई क्या सोर्स ऑफ इनकम था। वहां से आपको मेन चीज निकल के आएगा। चलिए कांग्रेस से क्या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि सब्सिडी नेताओं की कम करने की जरूरत नहीं है। क्या पुनिया साहब से कोई सवाल? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक मेरा नाम रोहित सचान है और मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि पहली बात तो इनको सब्सिडी किसने दी? सब्सिडी देनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जैसा कि सर ने बताया कि आईएएस अफसर को विदेश में इलाज कराने का मौका मिलता है, मैं बोलता हूं उनको और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि उनका ट्रांसफर जो है 5 सालों में 20 से ज्यादा बार हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में उनका पानी बदलता है तो कहीं ना कहीं बीमार वो ऑलरेडी हो जाते हैं। मेरा मेन क्वेश्चन ये है, स्थायी रूप से ट्रांसफर विदेश में कर देना चाहिए? नहीं, अगर नेताओं को और हाँ, मेरा मेन क्वेश्चन सवाल ये है कि अगर दिल्ली में पेट्रोल 60 रुपए है और देश के अन्य कोनों में 68 रुपए है, तो कहीं ना कहीं नेताओं की सब्सिडी हटा के अगर आम जनता को सब्सिडी मिले, वहां भी पेट्रोल 60 रुपए हो, तो कहीं ना कहीं एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनेगा। चलिए आप जन प्रतिनिधियों, आपसे एक प्रार्थना है कि आप जितनी चाहे सब्सिडी ले लीजिए, लेकिन कम से कम संसद के अंदर जाइए। संसद में आप जाते हैं, शोर मचाते हैं, वेल में जाते हैं, कागज फाड़ते हैं, बाहर आकर के सस्ता खाना खाते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर सो जाते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं फिर चाय पीने जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां हैं। सुबह से 9 बजे से लेकर के सुबह जाते हैं, रात को लौटने का समय नहीं होता। ज्यादातर कम उम्र के बच्चों को ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है। इस पैसे पे आप सब्सिडी लेते हैं? ठीक है। पुनिया साहब, इन बुजुर्ग महिला ने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि भाई आप ले लो सब्सिडी, जितना मुफ्त खाना पीना ट्रैवल सब ले लो, लेकिन कम से कम संसद तो चलाओ, परफॉर्म तो करो। शीतल जी, पूनिया जी, देखिए शीतल जी, एक बात मैं शीतल जी ये बहुत सामान्य इस तरह की शिकायत आती है और ये इंप्रेशन है पार्लियामेंट के सदस्यों के बारे में। लेकिन एक पहलू ये भी है, जो पिछला सत्र जो अभी गया है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में मिला के जो कानून पास किए वो अपने आप पर रिकॉर्ड है। रात को 10-10 बजे तक चर्चा करके बहस करके कानूनों को पास किया है और देश के सामने जो अतिवृष्टि से ओलावृष्टि से जो किसानों की खेत नष्ट हुए उसके बारे में चर्चा हुई है, जो एग्रीरियन सिचुएशन है इसमें कंट्री में, जो किसान जिससे ग्रसित है उसके बारे में चर्चा हुई। तो मैं समझता हूं कि ये शिकायत कभी कभी होता है। यानी आप इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? आप मोदी सरकार को इसका श्रेय दे रहे हैं क्या? सरकार की तरफ से आप मोदी सरकार को, आप मोदी जी को इसका श्रेय दे रहे हैं क्या? ऐसी परिस्थितियों को छोड़ के संसद चलने लगी, चर्चा भी होती है और जो काम इसका है कानून बनाने का वो कानून भी पास होते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक जनरल रिमार्क नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, सही है, अनेक ऐसे दृष्टांत आते हैं, उदाहरण आते हैं जिसमें ये गड़बड़ी होती है और उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, वो भी ना हो। बिल्कुल, इन्होंने एक तरह से कबूला कि सरकार के पास अभूतपूर्व मैंडेट है, सरकार के पास इस तरह के जितने अच्छे कानून वो बनाना चाहती है उसको कोई रोकने वाला नहीं, सरकार को वो बना ले। चलिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। चलिए, एक पॉजिटिव बात तो निकल कर आई इसमें कि फिलहाल संसद चलने लगी है। बिल्कुल, इससे पहले कि जिसका जवाब पुनिया जी को देना चाहिए था, मैं फिर उनसे पूछूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हमारी ये बहस जा रही है, हमारा पैनल जनगणमन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारी जनता के सवालों की, हम जनता लगातार सवाल पूछिए। आप कुछ कहना पूछना चाह रही है सोमनाथ भारती से? सर, एक सवाल पूछ रही हूँ, मकान का रिनोवेशन नहीं हुआ,
फाइव स्टार होटल में रह रहे हैं, 2.5 लाख पर मंथ का खर्चा आ रहा है, क्या उचित है? सोमनाथ जी, नहीं ये तो ये सवाल मेरा ख्याल है मेरे लिए नहीं है, ये अरुण जी के लिए सवाल होगा। ये अरुण जी के लिए भी आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर अरुण जी के पास जाएंगे। पार्लियामेंट ऐसा कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम उसकी जवाब। नहीं बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। मैं इसकी खूब निंदा करता हूँ, जिन शब्दों में कहे उन शब्दों में निंदा करता हूँ। कोई मामूली बात नहीं है, जनता का एक एक पैसा, एक एक पैसे की प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये बात कहना चाहता हूँ, मान साहब रह रहे हैं कि जो एक मेजर मुद्दा जो पुरुषोत्तम जी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई जो जो नेता आता है काम करने के लिए उसको अपना काम करने में किस किस चीज का सहयोग चाहिए और ऐसी कौन कौन सी जरूरतें उसकी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड हैं और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, ये सरकार इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च करके स्टडी करके कौन सी जो उनको मिला हुआ है सुविधाएं उसको विड्रॉ करना है, कौन सा ऐड करना है, ये कंटिन्यूस होता रहना। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसकी शुरुआत करें अपनी सरकार में, क्योंकि दिल्ली में आपकी पूरी बहुमत की सरकार है। ये बात भी कहते हैं, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। बिल्कुल सुधार जी, वक्त खत्म हो रहा है। अगर मोदी जी, एक सेकेंड, मैं बहुत खुश होता अगर मोदी जी ये भी कहते कि एसेट्स ऑडिट होगा कि भाई पॉलिटिक्स में आने के पहले एसेट्स क्या थे और आज एसेट्स क्या है। चलिए आप पहल कर लीजिए, आप पहल कर लीजिए। अगर ये हो गया पूरा डिस्कशन तो आसमान जमीन का फर्क मिनट का रहा। तीन पॉलिटिकल क्लास के तीन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक भी आवाज अगर सुनते तो बड़ा अच्छा लगता कि हाँ आज से छोड़ा 400-500 रुपए महीना जाना है। क्या हो गया इस पॉलिटिकल क्लास को समझ में नहीं आता है। मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा कॉल दिया है और ये मोदी जी का कॉल नहीं, किसी का भी कॉल होता अगर तीनों कह देते कि भाई बहुत अच्छा कॉल है हम ये छोड़ते हैं तो अच्छा लगता। लेकिन आप बड़े मुद्दे पे ले चल रहा हूं जी, नहीं आपका बात ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं तो ये वाला इशू उठा रहा हूँ, आज सब्सिडी का इशू था, आप सिर्फ यही कह देते यहाँ छोड़ा हमने। आपने शायद फैसला कर लिया कि मोदी जी को आप अप्रिशिएट करेंगे तो करिए। नहीं नहीं सोमनाथ जी, आप क्या हो जाएगा सोमनाथ जी, इस तरह के कमेंट्स आप बंद कर दीजिए, हमें नहीं जाएंगे सोमनाथ जी, कमेंट बंद कर दीजिए सोमनाथ जी, कमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। प्लीज आप यूं निजी इस तरह के कमेंट अगर दोबारा कर दीजिए तो मैं मुकदमा कर दूंगा। बिल्कुल सोमनाथ जी, ऐसा आप नहीं करते, मैं बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल एनके जी प्लीज, एनके जी प्लीज शांत होइए, शांत होइए। सोमनाथ जी आपको आपको इस तरह से टिप्पणी निजी नहीं करनी चाहिए। एनके सिंह साहब एक वरिष्ठ पत्रकार है, जाने माने पत्रकार है, संभ्रांत पत्रकार है, उनके बारे में हर कोई जानता है इस देश में, पत्रकारिता जगत में ही नहीं तमाम क्षेत्रों में। आपने बेहद गलत टिप्पणी की, आपको अपने जब वापस लेने चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ, सारी गर्मा गर्मी के बाद एक तो ये जो बात पूनिया साहब ने कही वो महत्वपूर्ण थी। सोमनाथ पिछले सत्र में संसद ने बहुत काम किया कि और उसका श्रेय अगर जाता है और उसका, भाई साहब एक मिनट, ईमानदार और जिस प्रकार से वो रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं, इनको जानकारी नहीं सोमनाथ जी को, एक इनकी एक आदत पड़ गई है। अभी मैं देख रहा हूँ चैनल में शुरू से लेकर ना झूठ, आप तो रहने दें, आप अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग रहने दें, एक अच्छा से बोलते हो सोमनाथ जी, आप अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली। नहीं नहीं, अगर उनको मेरे बात से हाथ पहुंचे, क्योंकि बहुत सीनियर है मेरे से, तो आप माफी मांग रहे हो मुझसे, बहुत सीनियर है मेरे बात से हाथ पहुंचे। जी ने आह्वान किया 2 लाख लोगों ने, मैं कह रहा हूँ की आज दो बातें कह रहा हूँ की आज अगर जी प्लीज आप बोलिए, एक तो जो सिंह साहब ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसका एक प्रमाण हमने फिर से देखा, सोमनाथ जी ने कुछ हर नेता उसमें अटकता है सिंह साहब की टिप्पणी पर, तो उस पर वो भाजपा के सज्जन जो है वो बीच में आ गए। यानी जो मुद्दे की बात है उससे बात को भटकाने में हमारे पॉलिटिकल क्लास की एक्सपर्टाइज का कोई जवाब नहीं। और एक बात ये, दूसरी बात यह है कि जो बात अभी पूनिया साहब ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो पॉजिटिव बात थी कि पिछले सत्र में संसद में काम हुआ, बहुत सारा लेजिस्लेटिव वर्क हुआ, और अगर सचमुच ऐसा हुआ है जो कि मैं जानता हूं कि हुआ है, तो उसका श्रेय रूलिंग पार्टी को नहीं जाता, अपोजिशन को जाता है, इस समय के अपोजिशन को।
क्योंकि अपोजिशन ही हल्ला मचा करके काम को डिस्टर्ब करता है और इस बात का श्रेय हमें वर्तमान अपोजिशन को देना चाहिए। तीसरी बात सीतल जी, जो सबसे मैं ये कह रहा हूं कि सिंबॉलिक बहसों में हम असली मुद्दों से अपना ध्यान गायब ना करें। ये सिंबॉलिक बहसें हम इतनी ज्यादा ना करें। ये जो पूरी बहस इस सब्सिडी को लेकर सांसदों के ऊपर, ये उतनी ज्यादा अहम बहस नहीं है, ये छोटा मामला है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री लाखों का सूट पहनते हैं या डेढ़ लाख का सीएम का ऑफिस बनता है, 150 करोड़ का मुख्यमंत्री का ऑफिस बनता है इसी देश में, तो वो किसके पैसे से बनता है? वो जनता के ही पैसे से बनता है। हमें ऑस्टेरिटी की बात, किफायत की बात हर स्तर पे करनी चाहिए, सिर्फ एक स्तर पे नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, एक कहावत है, एक कोटेशन है, मिलिट्री में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी अगर आप जंग में जा रहे हैं तो आप खुद सबसे पहले आगे जाएं गोलियों का सामना करने के लिए। ये कहावत हमारी पॉलिटिकल क्लास को भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब्सिडी वो खत्म करना चाहते हैं, संपन्न लोगों की